मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुकदमे कत्ल में इश्तहारी करार पाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बीबी ने अपनी जिंदगी में ही अपना मुमकिन कातिल करार दे दिया था। जागो मेरे भाइयों, ये हकूमत संभाल नहीं सकती। आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है। आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फरवरी सन 2016 में ही फरार करवा दिया गया था। याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमा कत्ल में सिर्फ इश्तहारी करार पाने वाले जनरल मुशर्रफ को बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना मुमकिन कातिल करार दिया था। अपनी शहादत से सिर्फ 44 रोज़ पहले बेनज़ीर शहीद ने लाहौर में एक इंटरव्यू के दौरान सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर को मुखातिब करते हुए कहा, यूकैन नेम मुशर्रफ एज माई असैसिन इफ आई एम किल्ड। आमिर मीर ने मोहतरमा के ये अल्फाज अपनी किताब द भुट्टो मर्डर ट्रेल फ्रॉम वजीरिस्तान टू GHQ में नकल किए हैं। ये अल्फाज बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर सन 2007 को अपनी वतन वापसी फिर उसी रात एक खून आशाम खुदकुश हमले में बाल बाल बच जाने के हवाले से एक सवाल के जवाब में अदा किए। इंटरव्यू के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमिर मीर को बताया कि इनकी इत्तला के मुताबिक 18 अक्टूबर को कराची में इन पर होने वाला हमला मुशर्रफ के इमाम पर किया गया। मोहतरमा ने बताया कि इनकी वतन वापसी से 2 हफ्ते कबल इन्हें जनरल मुशर्रफ की तरफ से ये पैगाम मिला कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है और लाल मस्जिद ऑपरेशन के हवाले से जिहादियों और इंतहा पसंदों के खिलाफ बयान की वजह से वो इनकी जान के दरपे हैं, इसलिए वो इलेक्शन से पहले मुल्क वापस न आए। मुहतरमा का कहना था कि जब मैंने जवाबन वाजे किया कि मैं हर सूरत में वतन वापस आ रही हूँ तो मुझे फिर वार्निंग दी गई कि कुछ जिहादी गिरोह मुझे मारने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। The militants are more worried about stopping me than they are about stopping Musharraf. Musharraf suits them. Don't trust military dictators. मुहतरमा ने कहा, मैंने जवाबन मुशर्रफ को पैगाम भेजा कि अगर इंटेलिजेंस इदारों को जिहादियों के मेरे खिलाफ मंसूबा बनाने की इत्तला मिल सकती है तो एजेंसियाँ इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती। मुहतरमा को इस सवाल का कोई हुकूमती जवाब मौसूल नहीं हुआ। मोहतरमा के मुताबिक उन्हें लंदन ही में अक्टूबर सन 2007 के दूसरे हफ्ते में अपने ज़राए से ये इत्तला मिल गई थी कि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कत्ल करने की कोशिश की जाएगी और जिम्मेदारी जिहादियों पर आयद किए जाने का इम्कान है, जिनकी डोरियाँ मुशर्रफ के हवारी हिला रहे हैं। और फिर इनकी कराची आमद पर वही हुआ जिसका बीबी को खदशा था। आमिर मीर के मुताबिक जब मोहतरमा से ये पूछा गया कि इनकी मुशर्रफ से ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो इनकी जान के दरपे है, तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, मेरा ये जुर्म क्या कम है कि मैंने जनरल मुशर्रफ को वर्दी उतारने पर मजबूर कर दिया है जिसे वो अपनी सेकंड स्किन करार देते थे। मोहतरमा ने कहा कि मुशर्रफ जानता है कि अवामी ताकत बेनज़ीर के पास है, इसलिए वो मुझसे खाइफ है और हर सूरत मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। आमिर मीर के मुताबिक उन्होंने बीबी से अगला सवाल किया, मोहतरमा अगर आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं और ये भी जानती हैं कि 18 अक्टूबर के हमले में भी मुशर्रफ का ही हाथ था तो फिर आपने अपने तहफ्फुज़ के लिए क्या कदम उठाया है, क्या आप ये बात रिकॉर्ड पर नहीं लाएंगी। बीबी ने कहा, मैं अपने खदशात रिकॉर्ड पर ला चुकी हूँ और अपने मुमकिन कातिल का नाम भी। मैंने पूछा वो कौन शख्स है और किसको बताया है आपने। बीबी बोली, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू कैन नेम मुशर्रफ एज माई असैसिन in case of my murder. Getting out of the car, now that is her personal, totally personal decision. Had she been inside the car, there were 5 other people inside the car, they are all very safe. अफसोस और दुख का मकाम है कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म रावलपिंडी की सड़कों पर दिन दहाड़े शहीद कर दी गई। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए।